क्या केआरके ने सलमान खान की बोलती बंद कर दी है? क्या सलमान खान अब जानबूझकर केआरके को रिप्लाई नहीं कर रहे और अब सलमान खान की ये चुप्पी भी केआरके को चुभ रही है? केआरके ने अपने सोशल मीडिया पर इसी बात को शेयर किया है। केआरके लिखते हैं, अरे बॉलीवुड के गुंडे भाई, आपकी तो बोलती ही बंद हो गई और आपके वो चंकू मंकू बिग बॉस वाले भी खामोश हैं। चलो अच्छा है, बस ऐसे ही रहना क्योंकि आपके करियर का तो अंतिम हो ही गया। तो इस तरीके का ट्वीट जो है वो केआरके ने किया है। जाहिर सी बात है कि उनका इशारा सलमान की ओर है और उनकी फिल्म अंतिम का वो जिक्र कर रहे हैं। अरे बॉलीवुड के गुंडे भाई, आपकी तो बोलती ही बंद हो गई और आपके वो चंकू मंकू बिग बॉस वाले भी खामोश है। चलो अच्छा है, बस ऐसे ही रहना क्योंकि आपका करियर का तो अंतिम ही हो गया है। इससे पहले भी केआरके ने कहा था कि वो मैं जो है आपको टीवी एक्टर बनाकर छोड़ूंगा। लगातार जो है केआरके डायरेक्टली इनडायरेक्टली सलमान पर वार किए जा रहे हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अक्षय और रानी को लेकर भी एक ट्वीट किया। उन्होंने शाहरुख का नाम भी घसीटा था और एग्जाम्पल देते हुए शाहरुख के बारे में भी कहा था। लेकिन अब उनका ये कहना है कि सलमान खान जो है अब चुप हो गए हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहीं मैं आपको याद दिला दूं कि सलमान खान ने केआरके को डेफामेशन केस भेजा था, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई के दौरान केआरके के वकील ने इस बात का दावा किया कि जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक केआरके सलमान खान के बारे में कोई भी डेरोगेटरी बातें नहीं लिखेंगे ना ही कहेंगे। जिसके बाद केआरके ने कहा कि मैं तो कभी भी किसी के लिए इस तरह की कमेंट नहीं करता। लेकिन लगातार वो अपने सोशल मीडिया पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कई लोगों के अपना निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले गोविंदा भाई करके भी एक जो है ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। कल गोविंदा ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये साफ किया कि हो सकता है कि वो कोई और गोविंदा हो, मैंने जो है केआरके से काफी समय से बात तक नहीं की है।